ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, भारत सभी का तीर्थ स्थान है, इसलिए सभी धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ, सबको संदेश दो। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ से तुम्हारी अंत मते सोगते होंगी और निंद्रा जीत बन जाएंगे? उत्तर, रात को जब सोने जाते हो तो पहले बाप और वर्षे को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, जब नींद आए तो सो जाओ, फिर अंत मते सोगति हो जाएंगी, सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेंगी, ऐसा अभ्यास करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा, करने वालों की चलन प्रसिद्ध होती जाती है। अब गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। ओम शांति। जो पिया के साथ है अब दुनिया में, बाप तो बहुत है, परंतु उन सब का बाप रचता एक ही है, वही ज्ञान का सागर। ज्ञान से ही सदगति होती है, सदगति भी मनुष्य की तब होती है जब सत्य की स्थापना होती है। बाबा को ही कहा जाता है सदगति दाता। जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान सागर आकर सदगति में ले जाएंगे। इस समय दुर्गति तो सबकी है, दुर्गति भी सबकी एक जैसी नहीं होती। सबसे प्राचीन भारत है, भारतवासियों की ही चोरा से जन्म गाए हुए हैं। जरूर जो पहले पहले मनुष्य होंगे वही 84 जन्मों के लायक होंगे। देवताओं के 84 जन्म तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म, मुख्य को ही उठाया जाता है। पहले ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं, पहले पहले सूक्ष्म लोक रचना है, फिर यह त्रिलोकी नाथ भी एक बाप है, बाकी उनके बच्चे भी अपने को त्रिलोकी के नाथ कह सकते हैं। यहाँ तो बहुत मनुष्यों के नाम भी रखवा दिए हैं। त्रिलोकी नाथ डबल देवताओं के भी नाम रखवाए हैं, गौरी शंकर, राधे श्याम। अब राधे कृष्ण अलग अलग राजाई के थे। जो अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में बहुत अच्छी पॉइंट्स की धारणा रहती है। जो होशियार डॉक्टर होगा उनके बुद्धि में बहुत दवाइयाँ होंगी। यहाँ भी रोज नई नई पॉइंट्स निकलती जाती है। जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होंगी वह नई नई पॉइंट्स धारण करते होंगे। जो धारणा नहीं करते हैं उनको महारथी नहीं कहा जा सकता।
सारा मदार बुद्धि पर है और तकदीर की भी बात है, यह भी ड्रामा है। ड्रामा को कोई जानते नहीं, यह भी समझते हैं हम आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, गोया कुछ नहीं जानते। तुमको तो जानना चाहिए, बच्चों का तो फर्ज है औरों को बाप का परिचय देना, सारी दुनिया को बताना है। कोई ऐसा न कहे कि हमको तो मालूम ही नहीं था, फॉरेन से भी बहुत आने वाली है, उन सब का प्रबंध करेंगे बॉम्बे में। यह लोग तो सब समर्थ भी है, पैसे तो उनों के पास बहुत है, शिव को अपना बड़ा गुरु तो मानेंगे ही। इसलिए समझाया जाता है इन धर्म पिताओं का भी कुछ पार्ट है। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार किया था, या क्राइस्ट इब्राहिम आदि सब आएंगे मिलने, तो उनकी फील्ड बनानी चाहिए। सब टूरिस्ट आदि बॉम्बे में आते रहते हैं, भारत जिसको बहुत खींचता है। असल भारत बाप का बर्थ प्लेस है, फिर सब में भगवान कहने से बेहद के बाप का महत्व गुम कर देते हैं। अभी तुम बच्चे समझाते हो कि भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, बाकी सब पैगंबर आते हैं अपना धर्म स्थापन करने, उनके पिछाड़ी फिर उनके धर्म वाले भी आते हैं। अब है अंत, कोशिश करते हैं हम वापस जाएं, परंतु पूछो उनसे तुमको यहाँ लाया किसने। क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, क्या उसने तुमको खींच कर यहाँ लाया? अभी सब तंग हो गए हैं वापस जाने के लिए, सुख में ले जाना बाप का ही काम है। बाप का बर्थ प्लेस भारत है, इतना महत्व तुम बच्चे ही जानते हो। जो जानते हैं उनको नशा चढ़ा हुआ है, कल्प कल्प भारत में बाबा आते हैं, यह सबको बताना है, निमंत्रण देना है। रचना की नॉलेज को कोई भी जानते नहीं, तो ऐसा सर्विसेबल बनकर अपना नाम बाला करना चाहिए। यह मेला सब तरफ जाएगा, तो जो तीखे बच्चे हैं, दूसरा ब्रह्मा बाबा को, तीसरा फिर कुमार का, गंगे मनोहर को जपेंगे, भक्ति मार्ग में हाथ में माला फेरते हैं, अब मुख से नाम जपते हैं। फलाने बहुत सर्विसेबल है, निरंकारी है, देह अवमान नहीं है। कहते है ना, घुर तो घुर, स्नेह दो तो स्नेह मिलेगा। अब बाप कहते हैं, तुम दुखी बने हो
तुम मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूंगा, तुम नफरत करेंगे तो यह तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हैं, पद नहीं मिलेगा, धन कितना अथा मिलता है, किसको लॉटरी मिलती है तो कितना खुशी होती है, उनमें भी कितने इनाम आते हैं, फिर सेकंड प्राइस थर्ड प्राइस भी होती है, यह भी ईश्वरीय रेस है, ज्ञान और योग की रेस है, जो उसमें तीखे जाते हैं वही गले का हार बनेंगे और तख्त पर नजदीक बैठेंगे। तुम सब हो कर्मयोगी, अपने घर को भी संभालो, क्लास में एक घंटा पढ़ना भी है, फिर घर में जाकर रिवाइज करना है, स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना, पढ़कर फिर घर में जाकर रिवाइज करते हैं। बाप कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, दिन में 8 घड़ी होती है, उनमें भी बाप कहते हैं एक घड़ी, अच्छा आधी घड़ी 15-20 मिनट भी क्लास में पढ़कर धारणा कर फिर धंधे दोरी में चक्कर लगाओ। आगे तुमको बाबा बिठाते थे तो बाप के याद में बैठो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, याद का ज्ञान तो था ना, बाप और वर्षे को याद करते, स्वदर्शन चक्र फिराते, जब देखो नींद आती है तो सो जाओ, फिर अंत मते सो गत्ती हो जाएंगी, फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेंगी, ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे, जो करेगा सो पाएगा, करने वाले का देखने में आता है, चलन प्रसिद्ध होती है, देखा जाता है, ये विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं, कोई लोभ आद तो नहीं है, ये शरीर पुराना है, इनका भी बहुत ख्याल नहीं करना है, यह ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान योग की पूरी धारणा होगी, धारणा नहीं होगी तो शरीर और सड़ता जाएगा, सड़ते सड़ते बिल्कुल ही कब्र दाखिल हो जाएगा, नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है, आत्मा को पवित्र बनाना है, यह तो पुराना मूत पलीती शरीर है, उनको कितना भी पाउडर लगाओ तो भी वर्थ नॉट अ पेनी है, अब तुम सबकी सगाई शिव बाबा से है, जब शादी होती है तो उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं, अब इस शरीर का स्थूल श्रृंगार ज्यादा नहीं करना है, ज्ञान योग से अपने को सजाएंगे तो परियां बन जाएंगे, प्रजा को परी नहीं कहेंगे, कहते हैं कृष्ण ने भगाया फिर महारानी पटरानी बनाया, ऐसे तो नहीं कहेंगे भगा कर प्रजा में चंडाल बनाया,
भगाया पटरानी बनाने के लिए तुमको भी ऐसा पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि जो मिला यह है पाठशाला, यह मुख्य है पढ़ाई। गीता पाठशाला बहुत बनाते हैं, बैठकर गीता पाठ सुनाते हैं, कंठ कराते हैं, कोई एक श्लोक उठाकर उस पर आधा पौना घंटा भाषण करते हैं, उनसे फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, उसमें एम ऑब्जेक्ट क्लियर है और कोई भी वेद शास्त्र पढ़ने में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। पुरुषार्थ करते रहो, परंतु मिलेगा क्या? जब बहुत भक्ति करते हैं तब समझाने की भी ताकत चाहिए। योग बल से काम निकालना है, अगर नहीं कर सकते तो गोया ताकत नहीं है। योग नहीं है तो बाबा भी मदद उन्हों को करते हैं। जो योग युक्त बच्चे हैं, ड्रामा में जो है वो रिपीट होता है, सेकंड सेकंड जो पास्ट होता जाता है, टिक टिक होती जाती है। हम श्रीमत से एक्ट में आते हैं, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। नंबर वार तो है ना, यह लोग समझते हैं हम एक हो जाए, परंतु अर्थ का पता ही नहीं। तो एक क्या हो जाए? क्या एक फादर हो जाना चाहिए या एक ब्रदर्स हो जाना चाहिए? अगर ब्रदर्स कहते हो तो भी ठीक है, श्रीमत से बरोबर एक बन सकते हैं। तुम सब एक मत पर चलते हो, तुम्हारा बाप टीचर गुरु एक ही है, जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलेंगे वह श्रेष्ठ नहीं बन सकेंगे। अगर एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। रेस में जो लायक होते हैं उनको ही रखते हैं। बड़ी रेस में अच्छे घोड़े निकालते हैं, क्योंकि लॉटरी बड़ी बड़ी रखते हैं। यह भी ह्यूमन अश्व रेस है। हुसैन का भी घोड़ा दिखाते हैं। हिंसा दो प्रकार की होती है। नंबर वन है काम कटारी, जो आधा कल्प से अपना भी खून दूसरों का भी खून करती आई। इस हंसा को कोई जानते ही नहीं, सन्यासी भी ऐसी नहीं समझते हैं। सिर्फ वह कह देते हैं ये विकार है। बाप तो कहते हैं बच्चे ये काम महाशत्रु है, ये आदि मध्यांत दुख देने वाले हैं। यह भी सिद्ध कर बताना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, राजयोग है, तुम्हारा हठ योग है। तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो, हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते हैं। आगे चलकर तुम्हारी प्रत्यक्षता होंगी जरूर। कोई प्रश्न पूछते तो
तो देवताओं की 84 जन्म 5000 वर्ष में हुए, क्रिश्चियन के कितने हुए, क्राइस्ट को तो 2000 वर्ष हुए। अब हिसाब करो उनकी एवरेज कितने जन्म हुई, 30-32, ये तो क्लियर है। जो बहुत सुख देखते हैं वह बहुत दुख भी देखते हैं, और धर्म वालों को कम सुख तो कम दुख भी मिलता है। एवरेज का हिसाब निकालना है। मुख्य जो प्रिसेप्टर्स है उनका जन्म निकालेंगे, पीछे जो आते हैं वह थोड़े थोड़े जन्म लेते हैं। बुद्ध का, इब्राहिम का भी हिसाब निकाल सकते हैं, करके 1-2 जन्म का अंतर पड़ेगा। एक्यूरेट तो नहीं बता सकते, अबाउट में समझाते हैं। यह सब बातें विचार सागर मंथन करने की है। कोई पूछे तो क्या समझाएं, फिर भी बोलो। पहले बाप को याद करो, क्योंकि बाप से वर्षा लेना है। जन्म जितने लिए होंगे उतने ही लेंगे। बाप से वर्षा लो, अच्छी रीत समझाना है, मेहनत का काम है। बच्चे बॉम्बे में बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत सक्सेसफुल होना है, उसमें बुद्धि चाहिए। बाबा के धन से बहुत लव चाहिए, कोई तो धन नहीं लेते। अरे ज्ञान रतन लो और फिर धारण करो, तो कहते हैं हम क्या करें, हम समझते नहीं। नहीं समझते हो तो तुम्हारी भाभी। अच्छा, मीठे मीठे शिकीलदे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार, शरीर को ठीक रखने के लिए ज्ञान योग की धारणा करनी है। किसी भी चीज का लोभ नहीं रखना है, इस ज्ञान योग से सजना है, स्थूल श्रृंगार से नहीं। दूसरी पॉइंट, एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ाई अवश्य पढ़नी है। ज्ञान और योग में रेस करनी है। वरदान, सर्व के दिलियों के राज को जानकर सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाली से उसकी दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हो। लेकिन दिल की राज को जानने की लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हर एक के दिल की राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं। लास्ट में स्लोगन है, वैराग्य ऐसी योग धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत
अवश्य होगा। ओम शांति।